नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेड क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लाए हैं, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। इसका इतिहास क्या है, इसकी परिभाषाएं, क्षेत्र एवं इसकी उपयोगिता के बारे में बताएंगे। ये सभी प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं के लिए, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे बेहतरीन ढंग से समझाने की एवं ट्रिकी के माध्यम से भी, ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने 1590 ईस्वी में किया था। प्राग इतिहास काल के जितने भी दार्शनिक हैं यानी मनोवैज्ञानिक शब्द को पहले मानसिक दर्शन के नाम से जानते थे, और यह एक दर्शन शास्त्र का अंग या एक पाठ था। 1789 ईस्वी के बाद मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पहचान मिली। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके यानी मुक्त करके एक स्वतंत्र विषय का रूप दिया, जो आज हम लोग मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं और इसे पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से आप लोग पॉज करके नोट कर लें। इसके लिए थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आइए इसके बारे में और आगे समझें। साइकोलॉजी शब्द एक ग्रीक यानी यूनानी या लैटिन शब्द से मिला है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द दो वर्डों से मिलकर बना है, साइकस प्लस लोगस। साइकस को अंग्रेजी में, इंग्लिश में यानी शूल कहते हैं, और लोगस को स्टडी यानी साइंस। इस तरह से साइकोलॉजी शब्द है ना, का साइकस का हो गया आत्मा का, और लोगस का अर्थ हो गया अध्ययन या विज्ञान। तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का ज्ञान या आत्मा का अध्ययन। आप लोगों ने यह पता चला कि साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका अर्थ है साइकस और लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा का ज्ञान या आत्मा का अध्ययन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट करें। इसके लिए थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आइए अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। समय समय पर इसकी परिभाषाएं में परिवर्तन हुई है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ें। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिक अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल और डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किंतु प्रकृति की अस्पष्टता के कारण 16वीं शताब्दी में के अंत में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप या प्राकृतिक स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया कि आत्मा का लोकेशन कहाँ है। इसे हम लोग ट्रिकी माध्यम से समझने की कोशिश करें। ट्रिक है इसका आत्मा से आप अरे, यानी आत्मा से इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आ से अरस्तु ये भी दार्शनिक हैं, पा से प्लूटो दार्शनिक है, आ से अरिस्टोल दार्शनिक है, डे से डेकार्ट दार्शनिक है। ये सभी दार्शनिक 16वीं शताब्दी के दार्शनिक हैं, ये यूनानी दार्शनिक हैं, इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना। आइए अब हम लोग न दूसरी परिभाषा के बारे में देखें। सेकंड में है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी 17वीं शताब्दी में दार्शनिक ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। इनमें से इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पंपोनोजी के अलावा लॉक, बर्कली भी प्रमुख हैं। कोई भी विद्वान मन या मन की प्राकृतिक या स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सके, अतः यह परिभाषा भी मान्यता नहीं पा सकी, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। मन या मस्तिष्क का कोई स्वरूप नहीं मिला। आत्मा की तरह
जिस तरह से आत्मा का विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया था। इसे हम लोग ट्रिकी से समझने की कोशिश करेंगे। ई प्लक बर्फ की मन में, इसे इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पासे पंपेनोजी, ला से लॉक, बर्फ से बर्कली, मन से मन को मानने वाले इटली के सभी दार्शनिक ने थे। इन्होंने सभी ने मन को मनोविज्ञान माना, मन के विज्ञान को मनोविज्ञान माना। जल्दी से आप लोग नोट करें, थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। अब आगे की जानकारी के लिए पार्ट 2 देखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।